आज एसएम्स किचन में हम मटन की रेसिपी बनाएंगे, वो भी रेस्टोरेंट या शादी वाला जो मटन होता है ना वैसा स्टाइल का बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ मसाले डालेंगे। ये 600 ग्राम मटन है, इसमें ये एक चम्मच हमने अदरक का पेस्ट डाला है, हाफ चम्मच ये लहसुन का पेस्ट है, और उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर है थोड़ा सा, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे, और साथ में ये एक से दो टेबल स्पून जो है वो तेल डालेंगे, सरसों का तेल। और इन सबको अच्छे से मतलब मसाज टाइप का करके अच्छे से इसको मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए या एक घंटे, आपके पास अगर टाइम हो तो आप एक घंटे के लिए आप रख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख दिए थे। इससे क्या होगा, ये सारे फ्लेवर इसके अंदर इन्फ्यूज़्ड हो जाएंगे और फिर खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो इसको आधे घंटे के लिए हम ढक के रख देंगे, और उसके बाद कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे सबसे पहले। अब कढ़ाई में सबसे पहले सरसों का तेल डालेंगे, और अब तेल को हम गर्म करने देंगे और तेल को थोड़ा सा फैला भी देंगे हम कढ़ाई में। अब इसके बाद हम एक एक करके मसाले डालेंगे। खड़ा मसाला जो होता है ना, जैसे तीन इलायची हम डाले हैं, तीन छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, एक लौंग, एक दालचीनी को हमने तोड़ के डाला है, और एक तेज़पत्ता। इन सबको हल्का सा फ्राई कर लेंगे जब तक इसका जो फ्लेवर है ना, इसकी खुशबू अच्छी निकल ना जाए, तब तक के लिए हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हाफ़ टीस्पून हमने तेल में चीनी डाला। अब चीनी किस लिए डाले, ताकि कलर बहुत ही अच्छा आए। चीनी अगर आप तेल में डालते हो ना तो कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद एक लार्ज साइज़ का प्याज हमने चॉप्ड करके इसमें डाल दिया है। अब इसको फ्राई करना है हमें, और एक बात याद रखिएगा, ये चीनी से ना बिल्कुल भी मिठास नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। आप करके देखिएगा एक बार। तो अब हल्का सा प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसमें एक लार्ज साइज़ का टमाटो भी डाल दिए हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा नमक डाले हैं ताकि टमाटो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, अब जो मैरिनेट वाला जो मटन है ना, वो हम इसमें डाल दिए हैं। आधे घंटे मैरिनेट किए थे, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया। अब सब कुछ अच्छे से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक टेबलस्पून हम अदरक का पेस्ट डालेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ये लहसुन का पेस्ट है, ये लहसुन का पेस्ट है, इसमें 10-12 क्लोव्स लहसुन है, उसके साथ दालचीनी एक है, और एक लौंग को हमने ये तीनों को पेस्ट करके डाला है, और एक टीस्पून हमने जीरा पाउडर डाला है, और उससे थोड़ा सा कम हमने धनिया पाउडर इसमें डाला है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये कलर के लिए है, और ये नमक डालेंगे। नमक बाद में भी हम डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा अभी डाले हैं नमक। और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से हमें इसको अब फ्राई करना है ढक ढक के, जिससे ये जो मसाले हैं अच्छे से पक जाए और इससे तेल भी निकलने लगे, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो देखिए, हम ढक ढक के इस तरह से पकाते रहेंगे। देखिए, मटन से भी पानी निकला है बहुत, और इसी पानी को हमें सुखाना है। इसी तरह से चलाते रहेंगे और ये सूखता रहेगा पानी, ढक ढक के इस तरह से। देखिएगा, बहुत जब थोड़ा बहुत सूख जाए ये पानी, उसके बाद हम इसमें दही डाल देंगे। करीब एक टेबलस्पून है ये दही। इसमें थोड़ा सा जायफल का पाउडर डालेंगे, इस तरह से हम जायफल को ग्रेट कर लेंगे और उसका थोड़ा सा हम पाउडर इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, एक बार करके देखिएगा। इसी सेम प्रोसेस में आप इस मटन को बना के देखिएगा, आपका मटन एकदम वैसा, मतलब शादी वाला या रेस्टोरेंट में जैसा मिलता है ना मटन, वैसा ही बनेगा ये। ये हेल्दी होगा क्योंकि ये घर पे बन रहा है, और देखिए चीनी की वजह से ये जो कलर है ना मटन का, कितना अच्छा आ रहा है। और चीनी आप अगर तेल में डालते हो ना, तो कलर सच में बहुत ही अच्छा आता है किसी भी चीज़ का। यहाँ पे हाफ ग्लास पानी को हमने गर्म करने के लिए दिए थे, और उसको अब हम कढ़ाई में डाल देंगे और सब कुछ एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये जो पानी हम डालें, ये आपके ग्रेवी के अकॉर्डिंग डालिएगा। आपको जितना थिक ग्रेवी पसंद है उस तरह से आप डालिएगा। सीटी के लिए कढ़ाई से हमने कुकर में डाल दिया है मटन, और 3 सीटी यहाँ पे लगा है। मटन के अकॉर्डिंग, मटन अगर अच्छा होगा ना तो 3 सीटी में ही हो जाएगा। हमने 3 सीटी लगाया था, 3 सीटी में ही ये बनके बिल्कुल तैयार हो गया है।
देखिए हमने फिर से कुकर में से कढ़ाई में डाल लिया है मटन को। इसका जो पानी है वो सुखाने के लिए आपको ग्रेवी के अकॉर्डिंग आपको पानी रखना है। तो ये मटन बिल्कुल बनके तैयार हो गया। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो न्यू है, जो नहीं किए हैं अब तक, और ऐसे बना के आप खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।